आपण देखुचंती माधव टेलीविजन। नमस्कार, माधव टेलीविजन रो न्यूज टाइम को आपन मन को स्वागत करूची मु मृणमयी। खबर आरंभ करिया पूर्वरु प्रथमे बड़ खबर। तेस्तरी जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट सह 1318 रे पहुंचिला बालेश्वर जिल्लार संक्रमित संख्या। बालेश्वर जिल्लार विभिन्न अंचल रे बढ़ुतबा स्थानीय संक्रमण को नि धारुची चिंता। बालेश्वरी अगस्त मासर द्वितीय सप्ताहांत सटडाउन, कोविड नियम मानि समस्त रहिले घरे, सुनसान हला रास्ताघाट। केन्द्र सरकारक उदासीनता विरोध में स्कीम वर्कर्स पक्षर देशव्यापी दुईदिनिया धर्मघट। निखिल ओडिशा अंगनवाड़ी कर्मी संघ पक्षर केन्द्र श्रम सचिव उद्देश्य स्मारकपत्र प्रदान। सरपंचक द्वारा मिथ्या प्रकल्प कार्यकारी नाम 40 लाख ऊर्ध टा आत्मसात अभियोग। जिलापा फेरार हेले सारगा पंचायतवासी। कोरोना संक्रमण सुरक्षा पर सोप एंड सेफ आरंभ करेस होम डेलीवरी अर्डर पर कल बा ह्वाट्सअप करूँ 7064415801। वर्तमान संपूर्ण खबर। दिनकु दिन देश में वृद्धि पाउथुबा कोरोना संक्रमण सबु वर्गर लोकों पर चिंतार कारण होइछि। अद्यावधि देश में कोरोना आक्रांतों संख्या 21 लाख पहुंचीथिबा बेले मृत्यु संख्या मध्य 42,602 रे पहुंचीछि। अनुरूप भावे ओडिशा रे गत 24 घंटा मध्य 1643 जन नुआ कोरोना पॉजिटिव चिन्हट हेबा सह राज्य में मोट संक्रमितों संख्या 44,193 पहुंची। तेरे अद्यावधि 28,698 जन सुस्थ होता बेले एक्टिव 15,188 जन आक्रांत को एवं कोविड हॉस्पिटल रे रखा जाए चिकित्सा करा जाउछि। अन्य पक्ष रे गत 24 घंटा मध्य 12 जन मृत्यु होता बेले राज्य में कोरोना रोगी मृत्यु संख्या एवं 259 पहुंची। से ही बालेश्वर जिले में गत किछि दिन धरी क्रमगत भाव बढ़ी चली कोरोना संक्रमण को नहीं जिलावासी मध्य आतंक देखाई। विशेषकर स्थानीय संक्रमण वृद्धि जो जिलार स्थित संगीन आड़क जा लक्ष्य कर गोष्ठी संक्रमण रूप ने जान महलूर मत प्रकाश पाई। गत 24 घंटा मध्य 73 जन संक्रमित चिन्हट होता बेले जिल्लार कोरोना संक्रमितों संख्या 1318 पहुंची। अद्यावधि 898 जन सुस्थ होता बेले एक्टिव 412 जन कोरोना आक्रांत को एवं कोविड हॉस्पिटल रखा जाए चिकित्सा करा जाउछि। तबे गत 24 घंटा मध्य चिन्हट होता पॉजिटिव मध्य 4 क्वारंटाइन केस थिबा बेले अन्य 69 स्थानीय संक्रमण बोली सरकारी सूत्र जणा जाइछि। क्वारंटाइन केस मध्य रेमणा ब्लक विद्याधरपुर अंचल 32 वर्षर पुरुष, खैरा राटिना अंचल 24 वर्षर महिला पूर्व संक्रमितों संस्पर्शे आसी कोरोना पॉजिटिव होता बेले बालेश्वर पौरांचल गोलापुलर 25 वर्षर महिला और बाहानगा ब्लक गोपालपुर 58 वर्षर महिला कटक बड़ डाक्तरखाना को चिकित्सापी जाता बेले से कोरोना संक्रमित होती। सेहीपरि जिल्लार भोगराई ब्लक पुटिणा पंचायतर सर्वाधिक 29 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट होबा जिला प्रशासन पर चिंतार कारण होइछि। एने पुटिणा पंचायतर संक्रमित अंचल को प्रशासन पक्षर आसंता 13 तारीख मध्यरात्र पर्यंत कंटेनमेंट जोन भाव घोषणा कर पुटिणारु 28 जन पुरुष और जड़े महिला गत 24 घंटा मध्य संक्रमित होता जमापड़ी। सेहीपरि बालेश्वर सहरर मध्य एककालीन 27 जन स्थानीय संक्रमित चिन्हट होबा जोगु सहरवासी मध्य उद्वेग प्रकाश पाई। विशेषकर माणिखंबर 40 वर्षर पुरुष, स्कूल बजार अंचल 44 वर्षर पुरुष, रिजर्व पुलिस लाइन अंचल 29 और 40 वर्षर महिला, 13 वर्षर बालिका,
ରିଜର୍ଭ ପୋଲିସ ଲାଇନ ଅଞ୍ଚଳରୁ 29 ଓ 40 ବର୍ଷର ମହିଳା, 13 ବର୍ଷର ବାଳିକା ଏବଂ 18 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଆରକ୍ଷୀ ଅଧିକ୍ଷକଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟରେ କାର୍ଯ୍ୟରତ 30 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଗୋପାଳ ଗାଁର 68 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ ଓ 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଦାମୋଦରପୁର ଅଞ୍ଚଳର 20 ବର୍ଷର ଯୁବତୀ, ବାରବାଟୀ ଅଞ୍ଚଳର 26 ଓ 32 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ଜେଲ୍ ରୋଡ଼ର 26 ବର୍ଷର ଯୁବକ, ମତିଗଞ୍ଜର 52 ଓ 58 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ, ପୋଲିସ ଲାଇନ ଅଞ୍ଚଳର 49 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ, ଆଜିମାବାଦର 53 ବର୍ଷର ମହିଳା ଓ 24 ବର୍ଷର ଯୁବକ କରୋନା ପଜିଟିଭ ଭାବେ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱର ସହରର ନୂଆବଜାର ଅଞ୍ଚଳରୁ ଗତ 24 ଘଣ୍ଟା ମଧ୍ୟରେ ପଜିଟିଭ ଚିହ୍ନଟ ହୋଇଥିବା 7 ଜଣଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ 83 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ, 48 ବର୍ଷର ପୁରୁଷ, 45 ବର୍ଷର ମହିଳା, 20 ବର୍ଷର ଯୁବକ, 15, 16 ଓ 17 ବର୍ଷର 3 ଜଣ ବାଳକ ଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସେହିପରି ବାଲେଶ୍ୱର ସଦର ବ୍ଲକରୁ 2 ଜଣ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା, ରେମଣା ବ୍ଲକରୁ 3 ଜଣ ମହିଳା ଓ ଜଣେ ଯୁବକ, ବାହାନଗାର ଜଣେ ପୁରୁଷ, ଜଳେଶ୍ୱରର 2 ଜଣ ପୁରୁଷ, ବସ୍ତାର ଜଣେ ପୁରୁଷ ଓ ଜଣେ ମହିଳା, ବାଲିଆପାଳର ଜଣେ ଯୁବକ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଛନ୍ତି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ କୋରାପୁଟ ଜିଲ୍ଲା ହଡ଼ପା ଅଞ୍ଚଳର ଜଣେ ଯୁବକ ବାଲେଶ୍ୱର ଆସି ସଂକ୍ରମିତ ହୋଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ସମସ୍ତେ ପୂର୍ବ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂସ୍ପର୍ଶରେ ଆସିଥିବା ଯୋଗୁଁ ସେମାନେ କରୋନା ପଜିଟିଭ ହୋଇଥିବା ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ସୂଚନା ଦିଆଯାଇଛି। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଜିଲ୍ଲାର ନୀଳଗିରି ଅଞ୍ଚଳର କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ 55 ବର୍ଷୀୟ ମହିଳାଙ୍କର ମୃତ୍ୟୁ ହୋଇଯାଇଛି। ଅଦ୍ୟାବଧି ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ଜନିତ ମୃତ୍ୟୁ ସଂଖ୍ୟା 4ରେ ପହଞ୍ଚିଛି। ତେବେ ଗତ କିଛି ଦିନ ଧରି ଜିଲ୍ଲାରେ କ୍ରମାଗତ ଭାବେ ସ୍ଥାନୀୟ ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସ ଶେଷ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା କେଉଁଠି ପହଞ୍ଚିବ ତାହାକୁ ନେଇ ସବୁ ମହଲରେ ଉଦ୍ବେଗ ପ୍ରକାଶ ପାଇଛି। ଏଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ଜନସାଧାରଣ ଅଧିକରୁ ଅଧିକ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସହ କୋଭିଡ୍ ନିୟମ ପାଳନ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ନିବେଦନ କରାଯାଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7064415801। ଅନ୍ଲକ୍ 3ରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ପକ୍ଷରୁ ଓଡ଼ିଶାରେ କିଛି ମାତ୍ରାରେ କରୋନା କଟକଣା ହ୍ରାସ କରାଯାଇଥିଲେ ବି ବାଲେଶ୍ୱରର କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବୃଦ୍ଧିକୁ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦେଇ ଜିଲ୍ଲାପାଳ ପୂର୍ବଭଳି ସମଗ୍ର ଜିଲ୍ଲାରେ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବଳବତ୍ତର ରଖିଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ ଅଗଷ୍ଟ ମାସର ପ୍ରଥମ ସପ୍ତାହାନ୍ତ 2-ଦିନିଆ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ଜିଲ୍ଲାରେ ବେଶ ସଫଳତାର ସହ କାର୍ଯ୍ୟକାରୀ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଦ୍ୱିତୀୟ ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଜନସାଧାରଣ ବେଶ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହ ପାଳନ କରୁଛନ୍ତି। ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବୃଦ୍ଧି ପାଇଚାଲିଥିବା କରୋନା ସଂକ୍ରମଣର ଭୟ ଯୋଗୁଁ ଲୋକେ ଘରୁ ବାହାରି ନାହାନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ଘରେ ରହିବା ସହ ଅତି ଆବଶ୍ୟକ କ୍ଷେତ୍ରରେ ପୋଲିସ ଓ ପ୍ରଶାସନର ଅନୁମତି ନେଇ କାଁ ଭାଁ ଲୋକେ ବାହାରକୁ ବାହାରିଛନ୍ତି। ରାସ୍ତାଘାଟ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଖାଁ ଖାଁ ହୋଇଯାଇଛି। ଜିଲ୍ଲାର ସମସ୍ତ ପ୍ରବେଶ ପଥକୁ ସିଲ୍ କରାଯିବା ସହ ପୋଲିସ ପକ୍ଷରୁ କଡ଼ା ପହରା ଓ ଯାଞ୍ଚ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇଛି। ଏହା ବ୍ୟତୀତ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଛକରେ ଦଳ ଦଳ ପୋଲିସ କର୍ମଚାରୀ ଡ୍ୟୁଟି କରୁଥିବା ଦେଖିବାକୁ ମିଳିଛି। ରାସ୍ତାରେ ଯାଉଥିବା ଲୋକଙ୍କୁ ଅଟକାଯାଇ ସଟ୍ଡାଉନ୍ରେ ଘରୁ ବାହାରିବାର କାରଣ ପଚରାଯିବା ସହ ଯାଞ୍ଚ ବି କରାଯାଇଥିଲା। ଅନ୍ୟପକ୍ଷରେ ଏକାଧିକ ପୋଲିସ ପେଟ୍ରୋଲିଂ ଗାଡ଼ି ସହରରେ ପଇଁତରା ମାରିବା ସହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର ସ୍ଥିତି ଅନୁଧ୍ୟାନ କରିଥିଲା। ସେହିଭଳି ପଦସ୍ଥ ପୋଲିସ ଅଧିକାରୀମାନେ ମଧ୍ୟ ସହରର ବିଭିନ୍ନ ଅଞ୍ଚଳ ବୁଲିବା ସହ ସଟ୍ଡାଉନ୍ର କାର୍ଯ୍ୟକାରିତା ଉପରେ ନଜର ରଖିଥିଲେ। ମଟ ଉପରେ ସଚେତନ ଜିଲ୍ଲାବାସୀଙ୍କ ସହଯୋଗରୁ ଅନ୍ଲକ୍ 3ର ସପ୍ତାହାନ୍ତ ସଟ୍ଡାଉନ୍ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ବେଶ୍ ପ୍ରତିଫଳିତ ହେଉଥିବା ଲକ୍ଷ୍ୟ କରାଯାଇଛି। ତେବେ ଜିଲ୍ଲାରେ କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ବଢ଼ି ଚାଲିଥିବା ବେଳେ ଆସନ୍ତା ସେପ୍ଟେମ୍ବର ମାସ ସୁଦ୍ଧା ଜିଲ୍ଲାର ସ୍ଥିତି କ'ଣ ରହିବ ତାହାକୁ ନେଇ ଲୋକଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଉଦ୍ବେଗ ଦେଖାଦେଇଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସବୁ ମହଲରୁ ସତର୍କତା ଅବଲମ୍ବନ ସହ ସାମାଜିକ ଦୂରତ୍ୱ ରକ୍ଷା, ମାସ୍କ ଓ ସାନିଟାଇଜର ବ୍ୟବହାର ଉପରେ ପ୍ରଶାସନ ପକ୍ଷରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତ୍ୱ ଦିଆଯାଉଛି। କରୋନା ସଂକ୍ରମଣରୁ ସୁରକ୍ଷା ପାଇଁ ସୋପ୍ ଆଣ୍ଡ ସେଭ୍ ଆରମ୍ଭ କରିଛନ୍ତି ଏକ୍ସପ୍ରେସ୍ ହୋମ୍ ଡେଲିଭରି। ଅର୍ଡର ପାଇଁ କଲ୍ ବା ହ୍ୱାଟ୍ସଆପ୍ କରନ୍ତୁ 7064415801। ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର୍ସଙ୍କ ପ୍ରତି କେନ୍ଦ୍ର ସରକାରଙ୍କ ଉଦାସୀନତାକୁ ନେଇ କେନ୍ଦ୍ରୀୟ ଟ୍ରେଡ୍ ୟୁନିୟନଙ୍କ ଆହ୍ୱାନ କ୍ରମେ ଚଳିତ ମାସ 7 ଓ 8 ତାରିଖରେ ଦେଶବ୍ୟାପୀ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର୍ସ ଧର୍ମଘଟ ଚାଲିଛି। 9 ତାରିଖରେ କ୍ରାନ୍ତି ଦିବସ ପାଳନ କରାଯାଉଥିବା ବେଳେ ବାଲେଶ୍ୱରରେ ଆଶା, ଅଙ୍ଗନବାଡ଼ି କର୍ମୀ ଓ ମଧ୍ୟାହ୍ନ ଭୋଜନ ପ୍ରସ୍ତୁତକାରୀ ସ୍କିମ୍ ୱାର୍କର୍ସମାନେ ଏହି ଧର୍ମଘଟରେ ସାମିଲ ହୋଇଛନ୍ତି। ଏହି ପରିପ୍ରେକ୍ଷୀରେ
17 दफा दाबी नै निखिल ओडिसा अंगनवाड़ी कर्मी संघ केन्द्र सरकारक श्रम विभाग सचिवक उद्देश्य रे दाबीपत्र प्रदान करा जायछि। संघर जिला सभापति प्रतिभा पाल और संपादिका लक्ष्मीप्रिया दासक नेतृत्व में सदर कमिटी सभापति नीलिमा जेना, पौराचल कमिटी सभापति निर्वासिनी प्रधान, सांपा बोल, नियति साहू, प्रभासिनी पंडा, रश्मिता नाथ, शांतिलता माझी, पुष्पलता सेठी, नमिता बेरा, मनोरमा परिडा को नहीं एक प्रतिनिधि दल जिलापा कार्यालय पहुंचे। अंगनवाड़ी कर्मी को सरकारी कर्मचारी मान्यता देवा, सर्वनिम्न मासिक पेंशन 10,000 टंका प्रदान करिबा, केन्द्रीय स्कीम गुड़िक स्थायी और सार्वजनीन करिबा, कोविड समय रे पाचिका मानक भत्ता प्रदान करिबा, स्कीम वर्कर्स समेत सब वर्गर श्रमिकों को मासिक 7,500 टंका हार रे भत्ता प्रदान करिबा आदि 17 दफा दाबी संपर्क रे सेमाने सूचना देथिले। एही परिप्रेक्षी रे सेमाने बालेश्वर अतिरिक्त जिलापाल और सदर बिडीओ को स्मारक पत्र प्रदान करिथिले। एनेई तुरंत उचित पदक्षेप ग्रहण करा नगले आगामी दिन में निखिल ओडिशा अंगनवाड़ी कर्मी संघ तीव्र आंदोलन को ओह्लैब बोली कर्मकर्ता माने चेतावनी देथिले। कोरोना संक्रमण रु सुरक्षा पई सोप एंड सेव आरंभ करिछंती एक्सप्रेस होम डिलीवरी। ऑर्डर पई कॉल बा व्हाट्सएप करंतु 7064415801। आरगाँ ग्राम पंचायत सरपंचों द्वारा बेआईन भाव विभिन्न प्रकल्प नाम लक्ष लक्ष टा आत्मसात होता स्थानीय लोके अभोग करेक्षी में ग्रामवासी बालेश्वर जिलापा दृष्टि आकर्षण करने सहित सारगाँ पंचायत विभिन्न कार्य होता अनियमितता और अर्थ आत्मसात संपर्क अवगत करती। विशेषकर वार्षिक प्रकल्प तालिकार स्थानित नक कि पल्ली सभा तथा तो ग्रामसभा अनुमोदित नक सरपंच रवींद्र नायक स्ट्रीट लाइट लगवा नाम 6,31,200 टंकार बिल अर्थ उठाई ग्रामवासी कहते। से ही सीएफसी योजन जुवज्योति कम्युनिटी सेन्टर मरामति बाबद 1.5 लाख, सरस्वती कम्युनिटी सेन्टर मरामति नाम 1 लाख, हरिसभा कम्युनिटी सेन्टर मरामति नाम 2 लाख, दलसुआ रास्ता नवीकरण नाम 1.5 लाख, कंक्रीट रास्ता निर्माण बाबद 1,40,000, पूर्वर नरेगा योजन आसीथिबा कार्य को पुणी थरे मरामति नाम 1.5 लाख, एमिति आहुरी बहु मिथ्या प्रकल्प नाम जाल बिल सहायता रे सरपंच श्री नायक 30 लाख रु अधिक टंका आत्मसात करिथिबा ग्रामवासी माने कहिछन्ति। एथिसहित पंचायतर विभिन्न पोखरी लीज अर्थ मार्केट कम्प्लेक्स भड़ा अर्थ मध्य बिना अनुमोदन रे खर्च करिथिबा सेमाने कहिछन्ति। 2017-18 मसीहारु पंचायतर केसबुक किंबा अन्यान्य रेकर्ड ऑडिट हो नथिबा बेले तुरंत ऑडिट सह एही घोटालार उच्चस्तरीय तदंत पई ग्रामवासी माने दाबी करिछन्ति। नतुबा आगामी दिन में पंचायतवासी जिलापालक कार्यालय सम्मुखरे धारणा रे बसिबे बोली सेमाने चेतावनी देइछन्ति। रवींद्र नायक से सरपंच हला परे आज को 3 वर्ष 3 वर्ष हला से जतिक सब काम करिछन्ति कि जहाँ योजना देखते कि जहाँ भी कम हो सरकार तरफ कम हो कम सठिक भाव होना जो तुलन हवा कथा से कमर तार से सचरता भाव कम होना अधिकांश कम अधा होते भी तार बिल उठाई कम गुड़ाए कम मैक्सिमम कम 3 वर्ष पर मैक्सिमम कम 90% कम गफलति होती लाइट जोगुड़ा अच्छे लाइट ठीक जगह लगे ना लाइट बाबद को जितकी टाँग अर्थ आसाला सरकार अर्थ सब जगह लाइट लगे ना फर्स्ट बिल कर उठे गोटे लाइट पट सब आड़े उठे लगे बिल कर अधिकांश जगह पंचायत फंड को सी मनोपोली भाव में गुड़ी पड़ी कहीकि फर्स्ट बिल कर पैसा को हड़प करते मैक्सीम जो आम रोच कंक्रीट ढोई रास्ता से कम निर्दिष्ट गोटे गोष्ठी को सी या क्रिएट कर गोष्ठी माध्यम से सब कम कर प्रति एरिया से कम 30% भी कम ठीक से होना मानते 3-4 मास पर गेट फेट सब उठी कम ठीक से होना तो कहले परोक्ष धमक चमक आसूसी तेणु किसी लोक भयभीत रोचार सबुठ बड़ कथा हूँ सरपंच हालापर से गोटे निर्दिष्ट राजनीति दल से सरपंच होते तेणु जो कौन वार्ड लोक अभियोग करते आम ये कमटा करते इंदिरा आवास गोटे दिंतु कि भंगा भत्ता दिंतु कि कई गोटे लोक जा गरीब लोक दुख शुणिले से कहते तुम्हें मत भोट देनी तेणु मुझे कौन से कम करी ना तेनालीया बड़े दुखद विषय जो जो सरपंच हालापर समस्त सरपंच तेनाली कमी कहीपरिवे सी जो मत भोट दे दाबी यह रोच आम आ पूर्व आरटीआई मागिथिलु आम पाखे तथ्य भी रही है कम ठीक से होना सरकारी कल भी सहित टी जड़ित रोच तेणु आम आज बाध्य कलेक्टर लोकलोचन को आणुचु इमती विधिवद्ध भाव में तदंत हो
जो दोषी मैंने ये सरकारी पैसा को हड़प कर सरकार जो उन्नतिमूलक योजना बाबद को जो पैसा आसूक जो हड़प आत्मसात कर दोषी मान दंड हो परिप्रेक्षी से माने राज्य पंचायतराज विभाग सचिवों उद्देश्य दाबी संबलित स्मारकपत्र बालेश्वर उपजिलापा प्रदान करते स्मारकपत्र प्रदान बेले जितेन्द्र सिंह रणजित कुमार दास जीवन नायक आदित्य रथ पीतवास दास अनंत दास आनंद पाढ़ी सुरेश महालिक प्रमुख उपस्थित थे ब्लक बालेश्वर जिले अनियमितता गोटे मानने बसा बांधला सबु कामरे अनियमित हो जो निर्दिष्ट केतरा जिनस प्रोजेक्ट देचंती एनआरजीएस काम एबे मेसीन करुच बहुत पंचायत प्रमाणित है तथापि प्रशासन नीरव जो स्ट्रीट लाइट कथा लिखिं सारगाम पंचायत तार बिल प्रॉपर्ली बिल है कि स्ट्रीट लाइट गुड़ा ठीक कंपानी लगू ना जो कंपानी लगवा कथा एप्रुव्ड कंपानी बजाज रे कि यू कंपानी लगू ना निम्न मान लाइट लगू से बोधे दि चार खराब हो जाटा निश्चित कथा आगामी दिन में बालेश्वर जिला जदि प्रशासन सचेतन न हुए तो हेलो ये नहीं नरेंद्र मोदी एवं सारा भारत बर्ष 116 जिला को गरीब कल्याण योजना नहीं भितर बालेश्वर जिला अच्छे तेणु एवं बहुत कम आसव आपणकर एनआरजीएस बहुत कम गाई गुहाल आपणकर छेली गुहाल ये सब जिनस आसव ये काम सब दुर्नीति हो जाओ फार्म पॉइंट जो पोखरी मो पोखरी योजना पोखरी खोल जाव ये सब कम दुर्नीति हो रास्ता कम से भी दुर्नीति हो प्रशासन एवं कौच मेन डेज देखापी ये जो प्रवासी श्रमिक फेरिले ये पा काद भी कम कर जो कम संभव नुह से कम कर तेणु तो अनियमित कर निश्चित भाव एम देखते सारगाम पंचायत दे 115 धारा इनक्वारी कर सरपंच को बरखास्त करनियमित हो कोरोना संक्रमण सुरक्षा पाई सोप एंड सेव आरंभ करेस होम डेलीवरी अर्डर पर कल बा ह्वाट्सअप करूँ 7064415801 खबर शेष करिया पूर्वरु बड़ खबर पुणी थरे 73 जन नुआ पॉजिटिव चिन्हट सह 1318 रे पहुंचिला बालेश्वर जिलार संक्रमित संख्या बालेश्वर जिलार विभिन्न अंचल रे बढ़ुतवा स्थानीय संक्रमण को धारुची चिंता बालेश्वर रे अगस्त मासर द्वितीय सप्ताहांत शटडाउन कोविड नियम मानि समस्त रहिले घरे सुनसान हला रास्ताघाट केन्द्र सरकार को उदासीनता विरोध में स्कीम वर्कर्स पक्षर देशव्यापी दुईदिनिया धर्मघट निखिल ओडिशा अंगनवाड़ी कर्मी संघ पक्ष केन्द्र श्रम सचिव उद्देश्य स्मारकपत्र प्रदान सरपंचों द्वारा मिथ्या प्रकल्प कार्यकारी नाम 40 लाख ऊर्ध टा आत्मसात अभियोग जिलापा फेरारे सारगा पंचायतवासी माधव टेलीविजन रे न्यूज टाइम रे आज पाई इतिकी रहुची नमस्कार।